मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जिनकी कल्पना भारत में नहीं की गई थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के जज्बे को प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और इलाज तथा प्रभावितों की सहायता के लिए अनेक योजनाएं बनाकर निरंतर प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर अपने ट्वीट में यह बात कही। शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऐतिहासिक 7 साल पूरे हो रहे हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 वर्ष मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। सीएम के अनुसार, कोविड संक्रमण के विकट समय में एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने सदैव उनसे मार्गदर्शन पाया है। जब भी समस्या आई, मैंने प्रधानमंत्री जी से फोन पर बात की और उन्होंने समस्या का तत्काल समाधान करके दिया है। प्रधानमंत्री जी ऐसे नेता हैं जिनके दिल और दिमाग में 24 घंटे देश की समृद्धि, विकास और जनता के कल्याण के लिए एक जिद, एक जुनून है। जिस जुनून और जज्बे से वे काम कर रहे हैं, मैं देश प्रेम और जन कल्याण के उस जज्बे को प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक निर्णय लिए गए जिनकी कल्पना भारत में नहीं की गई थी। मोदी जी के सरकार के ऐतिहासिक 7 साल पूरे हो रहे हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में ये 7 वर्ष मील के पत्थर के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। मोदी जी करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। एक नहीं, अनेकों सौगात हैं। एक तरफ उन्होंने विकास को नई गति और दिशा दी है, वहीं दूसरी ओर जन कल्याण की अनेकों योजनाएं बनाकर समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदलने का काम उन्होंने किया है। कोरोना संक्रमण के विकट समय में एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने सदैव उनसे मार्गदर्शन पाया। जब भी समस्या आई, मैंने मोदी जी से फोन पे बात की और उन्होंने समस्या का तत्काल समाधान करके दिया। वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, संवेदनशील ऐसे नेता हैं जिनके दिल और दिमाग में 24 घंटे केवल देश की समृद्धि, प्रगति, विकास और जनता के कल्याण के अलावा और कुछ है ही नहीं। एक जिद, जुनून और जज्बा अपने देश और देश की जनता के लिए उनके दिल में सदैव रहता और उसी जज्बे से वो काम कर रहे हैं। मैं देश प्रेम के, जन कल्याण के इस जज्बे को प्रणाम करता हूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।